बेताब समाचार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं लोनी क्षेत्र के पावी सादकपुर गांव में। यहां से मौजी हसन नाम का एक 20 साल का नौजवान 22 तारीख से लापता है। इनके घर वाले पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। उन घर वालों का आरोप है कि तीन लोग यहां से सेंट्रो कार में गए थे और अभी तक उस नौजवान का कोई पता नहीं है। पुलिस के द्वारा लापरवाही का आरोप ये लोग लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि थाना प्रभारी और CO साहब से संबंधित अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का भी कोई निदान नहीं हुआ। यहाँ इनके परिवार वालों से भी हम लोग मिले तो उन्होंने बताया बड़े दुखी हैं और बच्चे के कहीं अनहोनी ना कोई कर दी हो इस आशंका से भयभीत हैं। और संबंधित अधिकारियों के पास ये कहते हैं कि SPRA के पास जाएंगे अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई। अब देखते हैं कि इनकी जो बात है और इनके बच्चे को बरामदगी के लिए पुलिस किस तरह से काम करती है। मौजी हसन आपका बेटा है? हाँ जी। आपका बेटा कितनी तारीख से गायब है? 22 तारीख से। कहाँ किसके साथ गया था? ये कामिल है, बदमाश है, और एक वो है ताहिर और एक है वो क्या नाम माजिद, इनके साथ गया है। और आपने जो रिपोर्ट लिखाई थी पुलिस इसमें कार्यवाही कर रही है? नहीं, कुछ नहीं कर रही थी, कुछ नहीं। अच्छा, आप पुलिस के पास गए थे? गए थे। क्या कह रही है पुलिस? वो जो आश्वासन दे रही है ये कर रहे थे हम, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हमारी बात जो हम वहाँ पुलिस को बताते हैं वही बात आके बदमाशों कर देते हैं। वो इतना बस इतनी है। आप क्या चाहते हैं? हम अपना बच्चा चाहिए बस। ठीक। आप क्या चाहते हैं? बच्चे की बरामदगी चाहते हैं ना? जी जी। आपकी जो सुनवाई कराई जाएगी संबंधित अधिकारियों को पहुंचाया जाएगा। देखिए, इनका जो दर्द है इसको समझा जा सकता है। जिसका जवान बेटा गायब हो तो उसकी कैसी हालत होगी, इनसे बोला भी नहीं जा रहा है। हाँ जी, ये जो मौजी हसन गायब है, आप उनके चाचा हैं, तो पुलिस क्या इसमें कार्यवाही कर रही है या पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही है, क्या हो रहा है अब तक? बिल्कुल भी कोई तफ्तीश नहीं कर रही है जी, और हम तो रोज थाने में जाते हैं, सिर्फ एक आश्वासन ही मिलता है और कोई आश्वासन नहीं मिलता। पुलिस कहती है हम अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज 8 दिन हो गए हमारे भतीजे को गायब हुए हुए। हम रोज़ थाने के चक्कर काट रहे हैं 10-10, 12-12 बजे तक, लेकिन कोई भी सूचना ऐसी नहीं है कि हमारा बच्चा वहाँ पर है। हम तो थक गए चक्कर काटते काटते। आप थाना प्रभारी से मिले थे? जी, थाना प्रभारी से भी मिले थे हमें, SHO साहब से, CO साहब से मिले आप? CO साहब से भी मिले थे, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि हम अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे आप जो है उसकी बरामदगी के लिए? देखो जी, हमारी अगर थाने में सुनवाई नहीं होगी तो हम तो SP साहब के पास भी जाएंगे और मुख्यमंत्री को भी लेटर कर देंगे हम, और जहाँ तक हमसे कोशिश होगी वहाँ तक करेंगे, क्योंकि एक आम आदमी की सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। मुझे कानून मत बताइए, मुझे कानून मत बताइए, तुम्हारे जैसे मेरे पास में 1000 आदमी है, वो मान रहे हैं, मुझे समझाना मेरा काम है। थाना तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा, थाना मेरे कहने से चलेगा। थाना हमें आप हमारे अधिकारी हैं, आप उनसे अपनी बात रखें। आप थाना में जाते करते हैं, कोई गलत बात करते हैं तो आप मेरे से बड़े अधिकारी हैं। मेरे पास जो चौकीदारी में बात करूँगा, तुम्हारा कल मुकदमा लिखाया जा, उसमें एक आदमी मैंने खुद कहकर संतोष मेरी ऐसे नहीं, आप ऐसे लिखवाइए कि मेरे भाई तुम आरोप लगा रहे थे, तुम 2-3 घटना बता रहे थे मुझे, मेरी खुद जानकारी में तुम मेरे सामने थे, तो ऐसा नहीं है कि हाँ तुम लाकर के भीड़ इकट्ठा कर दो और उससे मतलब। नहीं नहीं नहीं